all black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DIPS 4x4 ट्रैक्टर का एक रिव्यू वीडियो लेके आया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को अंत जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार दमदार लुक के साथ और मेटेलिक पेंट के साथ आपको ट्रैक्टर की लुकिंग देखने को मिलेगी। लुकिंग की तरफ और पावर की तरफ बात करें, कंपनी ने काफ़ी चेंज करा है। लुकिंग ट्रैक्टर की आपको A1 देखने को मिलेगी और जबकि इसकी पावर की बात करें, लिफ्टिंग क्षमता भी इसमें ट्रैक्टर में काफ़ी बढ़ा दी गई है। जहाँ पे आप अब एक्सल की बात करते हैं, एक्सल काफ़ी मजबूत ट्रैक्टर में आपको एक कंपनी की तरफ से एक्सल मिलता है। काफ़ी देख लीजिए, काफ़ी लोहे के साथ ट्रैक्टर में हेलोजन टाइप की लाइट मिलेगी ट्रैक्टर में, जो कि फ्रंट बोनेट के अंदर वाली साइड है। यहाँ पे टो के लिए आपको कंपनी से मिलेगा, आफ्टर मार्केट आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रैक्टर में बम्पर भी, हैवी वेट बम्पर भी आपको मिल जाएगा ट्रैक्टर में, और महिंद्रा की बैचिंग मिलेगी ट्रैक्टर में फ्रंट में आपको क्रोम फिनिश के साथ, और एरोडाइनेमिक एक लुक मिलेगी शानदार। फ्रंट टायर की साइज़ की बात करें, इस ट्रैक्टर में आपको फ्रंट टायर का जो साइज़ देखने को मिलेगा, जो कि है 9/4/28 का। ट्रैक्टर में आपको स्टिकर और ब्रांडिंग की बात करें, आपको सिंपल सोबर लुक देखने को मिलेगा, कोई क्रोम फिनिश के साथ ब्रांडिंग नहीं देखने को मिलेगी। काफ़ी शानदार सिंपल सोबर लुक मिल रहा है। महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DIPS ट्रैक्टर का आता था। अर्जुन पहले इसकी कैटेगरी का नाम होता था, अब इसमें नोवो कैटेगरी आ दी है। ड्यूल डीजल फिल्टर है, ड्यूल एक्टिव पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। 4 सिलेंडर पावर, 3531 cc पावर देखने में मिलेगी ट्रैक्टर में। 2100 जनरेटेड RPM ट्रैक्टर में। यहाँ पे लोहे का टूल बॉक्स और 196 Nm का 196 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। फोर व्हील ड्राइव का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगी, V1 का इस ट्रैक्टर का V1 मॉडल नेम है। काफ़ी शानदार, मेरे को ट्रैक्टर में कोई अभी तक कमी नहीं लगी ट्रैक्टर में। लुकिंग में मेरे को सबसे बेस्ट और काम वाइज और एवरेज वाइज सबसे बेस्ट ट्रैक्टर लगता है। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा चढ़ने के लिए। प्लेटफॉर्म की बात करें, फुली प्लेन प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म एकदम कंफर्टेबल रहेगा। सिक्रेनो मैस गेयरबॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हाई लो मीडियम का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रैक्टर में, और उस साइड आपको पीछे हाई लो मीडियम के जस्ट बैक में आपको PTO का क्लच वगैरह मिल जाएगा ट्रैक्टर में। सिक्रेनो मैक्स गेयरबॉक्स देखने को मिलेगा ट्रैक्टर में आपको, जैसे कि आपका गियर आपको पहले गियर में है। अगर इस गियर को आप आगे की तरफ पुल करेंगे तो पीछे आगे की तरफ चलेगा, पीछे की तरफ पुल करेंगे तो पीछे की तरफ चलेगा। पीछे वाले की बात करें, 16/9/28 का पीछे वाला टायर का साइज़ देखने को मिल जाएगा। सिक्रेनो मैक्स गियर बॉक्स का फायदा यह है कि आपको बार बार रिवर्स और फॉरवर्ड गियर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महान लिफ्ट हाइड्रोलिक का इसमें आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो कि सिर्फ ब्रांडिंग नहीं है, लिफ्टिंग क्षमता इसमें पहले आती थी 2200 kg की लिफ्टिंग क्षमता रहती थी, कंपनी ने इसको बढ़ा दी है 2700 kg तक। काफ़ी शानदार पावर बैकअप पावर ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। एडजस्टेबल एक शानदार मजबूत इसमें हुक देखने को मिल जाएगा ट्रैक्टर में। डबल डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिलेगा, मजबूत लिंकेज ट्रैक्टर में आपको कंपनी की तरफ से मिलेगी। डबल डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल रहे हैं, जैसे आजकल एडवांस टाइप के इंप्लीमेंट आ रहे हैं, लेजर हैरो कंप्यूटर करा हुआ, तो इसमें आप लगा के चला सकते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको बोतल होल्डर भी मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगा पीछे की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देखने को मिलेगा पीछे की तरफ, एक छोटी लाइट भी मिल जाएगी जो आपको रात के समय काफ़ी काम आने वाली। PTO हॉर्स पावर की बात करें, ट्रैक्टर में आपको 44.93 HP का PTO पावर मिलेगा, 44.93 HP का। और इसमें कूलेंट सिस्टम की बात करें, फोर्स सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट कूल सिस्टम मिलेगा, ड्यूल डायाफ्राम टाइप का ट्रैक्टर में क्लच देखने को मिलेगा, ड्राई टाइप विद क्लॉग इंडिकेटर के साथ आपको इसमें एयर फिल्टर देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर में गेयरबॉक्स की बात करें, पार्शियल कॉन्स्टेंट मैस गेयरबॉक्स देखने को मिलेगा, पार्शियल सिक्रेनो मैस गेयरबॉक्स देखने को मिलेगा, और 15 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर मिलेंगे हाई लो मीडियम के ऑप्शन के साथ। ट्रैक्टर में आपके फॉरवर्ड की स्पीड की बात करें, इस ट्रैक्टर में आपको 32.4 km/h की फॉरवर्ड की स्पीड मिलेगी और 17.4 km/h की रिवर्स स्पीड मिलेगी, जो ये आपको सिल्वर की क्रोम फिनिश ट्रैक्टर में मिल रही है साइड में, और काफ़ी ट्रैक्टर का लुक अट्रैक्टिव भी कर रही है। मैकेनिकल ओलिमस ब्रेक ट्रैक्टर में, मल्टी डिस्क ब्रेक ट्रैक्टर में देखने को मिलेगी, SLI टाइप की एडवांस टाइप की PTO देखने को मिलेगी, और ट्रैक्टर में आपको कुल वजन ट्रैक्टर का खुद का वजन जो रहता है 3272 kg, 3272 kg का ट्रैक्टर में आपको इसमें वजन देखने को मिलेगा। व्हील बेस ट्रैक्टर में 2145 mm है, ट्रैक्टर की लंबाई है 3630 mm, 3630 mm की लंबाई रहने वाली है। लिफ्टिंग क्षमता ट्रैक्टर में 2700 kg, जो पहले आती थी 2200 kg के साथ, अब इसमें आपको ब्रांडिंग भी मिल जाएगी महालिफ्ट की ब्रांडिंग के साथ। ट्रैक्टर में आपको एसेसरीज की बात करें, रबर का मैट आ जाएगा, टूल में आपको टॉप लिंक आ जाएगी, और वारंटी की बात करें 2 साल और 2000 घंटे के ट्रैक्टर में आपको एक एडवांस टाइप की एक वारंटी मिल जाएगी, कंपनी की ब्रांड वारंटी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म कैसा है ट्रैक्टर का कुल मिला के, ट्रैक्टर का फुली प्लेन प्लेटफॉर्म है। आप लंबे टाइम तक खेती करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक अच्छा सा स्टेयरिंग मिल जाएगा छोटा सा, जिसमें महिंद्रा की ब्रांडिंग मिलेगी। डिजिटल टाइप का मीटर मिलेगा, रात के समय आपको काफ़ी रिफ्लेक्ट करेगा। और ट्रैक्टर में यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये पार्किंग गियर है ट्रैक्टर में, फोन वगैरह रखने के लिए भी आपको एक अलग से जगह दी गई है ट्रैक्टर में।
तो यहाँ पे मुझे ट्रैक्टर में ओवरऑल क्या काम वाइज, मैंने काफ़ी किसान भाइयों का ट्रैक्टर में रिव्यू भी लिया हुआ है, उन्होंने कहा ये ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा तो कामयाब है कमर्शियल यूज़ में और एग्रीकल्चर यूज़ में, दोनों में एक नंबर ट्रैक्टर है। कमर्शियल यूज़ की बात करें तो ये लोडर में सबसे ज़्यादा कामयाबी आने वाला ट्रैक्टर है, और एग्रीकल्चर में तो आप बात करें जिसके पास बड़ी खेती है वो काफ़ी शानदार इस ट्रैक्टर से कहेगा, लंबे समय तक भी अगर वो काम करेगा तो उसको कोई तकलीफ नहीं आने वाली। तो इस ट्रैक्टर और इसकी एवरेज के बारे में मैंने पूछा तो उनका एवरेज सबसे ज़्यादा 4x4 बाकी ट्रैक्टर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इसकी एवरेज रहने वाली है। और बैटरी बॉक्स ट्रैक्टर में यहाँ पे मिल जाएगा लोहे की बैटरी बॉक्स प्रोटेक्शन के साथ, और ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग का फिल्टर जस्ट आपको प्लेटफॉर्म के नीचे वाली साइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे भाई आपको दिखा रहा है, ये पावर स्टीयरिंग और लिफ्ट का फिल्टर आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। तो ट्रैक्टर में कुल मिला के कोई कमी नहीं मुझे लगी, ट्रैक्टर बहुत शानदार है। अगर इसको आप डीलरशिप का नंबर है, ट्रैक्टर का प्राइस वगैरह जानना चाहते हैं तो आपको मैं नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा डीलरशिप का, आप अगर लेना चाहें तो ट्रैक्टर ले भी सकते हैं। तो मुझे ओवरऑल ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ट्रैक्टर कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।